डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ओडिशा स्टेट यूनियन बैंक एम्प्लॉई सीएम कौन सब कौन आप देखो सर ये आम आज कन्फरेन्स आम करूँ यहाँ गोटे त्रिवार्षिक सम्मेलन ये त्रिवार्षिक सम्मेलन में आम गत तीन वर्ष भितर आम कौन अचिवमेंट कल आम भितर कौन नूतन जिन आविर्भाव है देश में आम कौन साजु देशर उन्नति आम कौन करज आम वर्कर्स वी ऑल आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉईज एसोसिएशन एंड एवरीबडी नो इट वेरी वेल द ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉईज एसोसिएशन प्लेइंग वाइटल रोल इन इंडियन इकोनॉमी एंड ऑल्सो प्लेइंग वाइटल रोल इन सोशल सेक्टर अल्सो तो आम मुख्य उद्देश्य है यही कन्फरेन्स माध्यम से सरकार को जोड़ा चाहूँ जे 1969 1969 मसीहा सरकार जो बैंक मानक जो नेशनलाइज कराला जो ये कराला तार मुख्य उद्देश्य थे गरीब श्रेणी लोक मान पाखे बैंक पहुँचवा जहाँ सरकार इच्छा थी जहाँ तक मन था ताकि ढेर अधिक परिमाण में करमोस्ट सब नेशनलाइज बैंक बर्तमान प्रॉफिट रे चली दे आर नॉट गोइंग ऑन लॉस ऑलमोस्ट तो मोस्ट आम सरकार को यही रिक्वेस्ट रहा जे डोंट गो फॉर प्राइवेटाइजेशन वेरी रिसेंटली सरकार जो मनोवृत्ति चेंज कर सब बैंक से प्राइवेटाइज करेंगे आम यार संपूर्ण भाव में विरोध है यहाँ है सरकार यहाँ है वर्कर श्रेणी विरोध तो आम सरकार रिक्वेस्ट करम तरफ सरकार को गोटे अपील है जे डोंट गो फॉर प्राइवेटाइजेशन नेशनलाइजेशन इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी एज वेल एज फॉर द इन फॉर आवर कंट्री द्वितीय जिनस सरकार सब वर्कर श्रेणी भलमंद प्रति चिंतित रुंतु से उदासीनता देखते यहाँद्वारा आम कर डिमोनिटाइजेशन टू नहीं कर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना सब क्षेत्र में नेशनलाइज बैंक भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण आम बहुत ढेर परिमाण में काम करूँ तो देश सागर आम अच्छू डोंट गो फॉर प्राइवेटाइजेशन दिस इज आवर रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ आवर ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉईज एसोसिएशन थैंक यू ओडिशा स्टेट यूनियन बैंक एम्प्लॉई यूनियन आज आम प्रथम त्रैवार्षिक सम्मेलन आम एठारे अनुषित करमर आगर ओडिशा स्टेट आंध्रा बैंक एम्प्लॉई यूनियन थिला तार नाम परिवर्तन करी आमे ओडिशा स्टेट यूनियन बैंक एम्प्लॉई यूनियन करथिलु एवं या सहित कॉर्पोरेशन बैंक रो यूनियन एवं यूनियन बैंक रो यूनियन दुईट जाक मर्ज है आम ओडिशा स्टेट यूनियन बैंक एम्प्लॉई यूनियन नाम परिचालित हो यूनियन एफिलिएटेड टू ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉई एसोसिएशन जोटा कि आम भारत बर्षर सर्वप्राचीन 1946 मसीहा स्थापित होता एवं सर्वबृहत यूनियन भाव में यह प्रतिष्ठा लाभ कर ये यूनियन जे केवल बैंकिंग सेक्टर रो उन्नति पाई कार्य करे ता नुह सर्व जन सर्वमंगल कार्यपाई सबु श्रेणीर लोकंर जमी एक्सप्लोइटेशन न हो आमर जो अर्थनैतिक नीतिमान सरकार प्रणयन करा तर्जमा करवा आमर सबु श्रेणीर लोकंर केमी उन्नति साधित हो पार एम एकत्रित होलोचना कर सब बड़ कथा हो बर्तमान परिस्थिति आमे केवल जब निजकु से बैंकिंग भितर सीमित कर रखा तेल अर्थनीति हूँ जेकोसी देशर मेरुदंड आर्थनीति काम कर लोक मैंने भल भाव जानते कौ श्रेणी में कौ जिन अभाव रोचे कौन श्रेणी को कौन जोगाईदे तहार समाधान समाज में हो पार आम सरकार जे तो तत्पर था कहीं तथापि तर नीति किटा पर अत्यंत आवश्यक था यही सब विषय आम आलोचना मान करूँ परिशेष आम रिजल्यूशन आकार में सरकार को सूचना दे था जे कौन त्रुटि रोचे कौन पॉलिसी रे नियमावली रे चेंज करवा आवश्यक जहाँफल सबु श्रेणी लोक मैंने उपकृत हो पार केवल गोटे जिनस गुरुत्व देवाई चाहिए जो घरकरण नीति सरकार करने को जाऊँगी अत्यंत क्षतिकारक ना केवल बैंक कर्मचारी बैंक कर्मचारी तो सरकार अच्छा घरकरण हेले भी दरमा ने काम करेंगे किंतु आप चिंता करूँ आज जो घरकरण बैंक गुड़िक अच्छा से मिनिमम बैलेंस 10,000 टका रखुच्च कौन आम देशर साधारण जनता 10,000 टका देवाई समर्थ 10,000 टका सब वाले मेंटेन करने समर्थ ना तार जो मिनिमम बैलेंस चार्जेस अच्छी से गुड़िकने दे पार ना जहाँफल जहाँ अल्प स्वल्प समय संचय करार्ज आगे काटि नौ तेणु आम जदि जातीयकरण बैंक जथेष मात्रा रखिपर अंक भी जातीयकरण भितर आसपर आनी पार यह सरकार दायित्व होगा उचित जे सब श्रेणी लोक किमी उन्नति साधित हे तर अर्थनैतिक अवस्था किमी स्वच्छल हम से सजग रहा उचित एमें जो कन्फरेन्स करुँ अनुषित करुँ एमें निश्चित रूप से रिजल्ट।
कन्फरेन्स कराकि प्रकृत में कह चतुर्दशतम कन्फरेन्स आमर यही यूनियन आज एक चतुर्दशतम कन्फरेन्स हो मुख्यतः भाव में आज आम बैंकिंग शिल्प मुख्य चैलेंज हूँ प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन सेक्टर सेक्टर में गवर्नमेंट अन्य सेक्टर जमी प्राइवेटाइजेशन कले नेशनल एसेट को से प्राइवेटाइज कर व्यारेज बैंक को कले आपण को आम पैसा प्राइवेट कला गोटे लोक किसी सेयार कि 10% सेयार कि 50,000 कोटी सेयार कि सी गोटे 5 लाख कोटी मालिक से घर विरोध करा दरकार बर्तमान लास्ट दशंधि आम लक्ष्य करे केवल रोजगार केवल बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत सपोर्ट करमेंट क्षेत्र में जोटा कि धीरे धीरे से गुड़ाक मिश्रण जो बहुत संकुचित हो जाए आज ये सब रेजुल्यूशन मीटिंग कर। We'll be right back.